हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। ये ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जा सकता है ये आज सीखेंगे। क्योंकि यूजली हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस मेरे पास 6 सेंटीमीटर है लेकिन हाइट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से करेंगे। नंबर वन, पहले इसकी हाइट फाइंड करेंगे और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा देंगे। हाइट कैसे फाइंड करते हैं वो अभी सीखेंगे। और दूसरा मेथड है हिरोन्स फॉर्मूला। जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हो तो हिरोन्स फॉर्मूला भी एक मेथड है, वो फॉर्मूला लगाकर भी एरिया निकाला जा सकता है। तो दोनों मेथड कवर करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला मेथड स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसकी हाइट निकाली जा सकती है। हाइट होती क्या है, पहले तो हाइट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हाइट मतलब आप यहाँ से ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये परपेंडिकुलर जो है ए डी मेरी हाइट है इस ट्रायंगल के, तो मुझे ये हाइट निकालनी है। लेकिन कैसे, अगर आप गौर से देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दो साइड सेम लेंथ की हैं, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और ये बात याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। हर जगह से नहीं, दो इक्वल साइड्स के बीच में जो वर्टेक्स है ना, वहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में बांटता है। टू इक्वल पार्ट्स का मतलब ये जो बी डी है ना, ये सी डी के इक्वल होगा। बी डी विल बी इक्वल टू सी डी। टोटल 6 सेंटीमीटर है तो जी बी डी भी 3 सेंटीमीटर, इधर से सी डी भी 3 सेंटीमीटर। ये मेरे पास अभी देखो डेटा सामने है, आपको ए डी निकालना है। ए डी मतलब हाइट। तो आप इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकती है। अब आपको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब आप ए बी की वैल्यू कितनी है, 5 स्क्वायर। बी डी की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में देखिए 3 सेंटीमीटर प्लस ए डी स्क्वायर, क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए डी स्क्वायर। यहां से ए डी इजिली निकल जाएगा। कैसे, 9 विल कम टू लेफ्ट साइड, ये 16 होता है, तो मेरे पास ए डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अगर मेरे पास ए डी स्क्वायर 16 है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। तो आप देखिए ये ए डी कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास हाइट भी आ गई है। हाइट आ गई है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो आई एम गोइंग टू यूज फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस देखो कितना है, बेस 6, हाइट कितनी है, 4। ठीक है जी, ये 2 से 4 को काट दीजिए 2, तो हमारा आंसर मैं यहां लिख रहा हूं 6 मल्टीप्लाई 2 इज 12। तो आंसर कितना आएगा जी, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का एरिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। खास बात क्या थी, हाइट निकालनी आनी चाहिए। लेकिन यही एक मेथड नहीं है, दूसरा मेथड मैंने बताया था हिरोन्स फॉर्मूला। तो चलिए हिरोन्स फॉर्मूला भी स्टार्ट करते हैं। आंसर सेम ही आएगा लेकिन वो मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तो आप हाइट इजिली निकाल सके, कई बार हाइट इजिली नहीं निकलती, स्क्वायर रूट में आ जाता है, यहां तो 4 आ गया, कई बार रूट 5 रूट 7 कुछ भी आ सकता है, तो मुश्किल लगता है तब करना। तो उस केस में हिरोन्स फॉर्मूला यूज कीजिए, तीनों साइड्स गिवन हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हिरोन्स फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हिरोन्स फॉर्मूला होता क्या है वो लिख देता हूं ताकि हर पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला हिरोन्स फॉर्मूला का क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एस माइनस सी। सवाल ये है कि एस क्या है, ए बी और सी क्या है। देखिए ए बी और सी तो आपकी साइड्स हैं, आप किसी को भी मान लीजिए, मान लो मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी और इसको सी, यूजली एंगल ए के सामने वाले को भी ए मान लेते हैं, आपकी मर्जी है कोई भी सीक्वेंस पकड़ लीजिए चलेगा। तो ए बी और सी तो मेरे सामने है। एस क्या होता है, एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स को ऐड कर दे तो पेरीमीटर होता है, उसका हाफ कर दें तो सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तो मैंने इसका हाफ कर देना है, तीनों को ऐड करते हैं, 5 + 6 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो जी सेमी पेरीमीटर हमारा क्या आया 8। एस की वैल्यू 8 आ गई। अब इस फॉर्मूले में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सभी वैल्यूज को फिल कर देते हैं, एस की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 5। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होगा। आगे देखते हैं क्या बनता क्या है। 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 किया 3, 8 माइनस 6 करते हैं 2, 8 माइनस 5 करते हैं 3। ये हमारी कैलकुलेशन बन चुकी है। अब आप देखिए 3 यहाँ पर पेयर में आ रहा है ना, 3 पेयर में आ रहा है, तो एक 3 इसका बाहर आ जाएगा। रूट में क्या बचा, 8 मल्टीप्लाई 2 16। रूट 16 क्या होता है, 4 होता है, तो रूट 16 की जगह पर 4 भरिए, 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12। तो ये देखिए हिरॉन्स फॉर्मूला बहुत ईजी फॉर्मूला है, आपको सिर्फ स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर स्क्वायर रूट की कंसेप्ट क्लैरिटी है तो ये मेथड यूज़ करके आप एरिया निकाल सकते हैं, जब तीनों साइड्स गिवन हो स्पेशली, तब नोट कर लीजिए, तीनों साइड्स गिवन हो तो हिरॉन्स फॉर्मूला इज द बेस्ट वे टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको दोनों कंसेप्ट जो आज किए हैं, दोनों कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।